कैरी पैरी करो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब पहुँच गए हैं फिनिक्स मार्केट सिटी में। फिनिक्स मॉल है बैंगलोर में। तो हम लोग कुछ शॉपिंग करने आए थे, एक्चुअली हस्बैंड को कुछ लेना था, तो वही हम लोग सोचे चलो लेके आते हैं। तो अचानक से पता चला कि जावेद अली जी का प्रोग्राम है, कॉन्सर्ट है, तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो आज देखते हैं, क्योंकि ये हम लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम मतलब ये चीज़ देखने जा रहे थे। तो हस्बैंड ने बोला चलो देखते हैं, तो फिर हम लोगों का प्रोग्राम बन गया कि देख के ही जाएंगे आज। तो कुछ कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वही अभी हम लोग बस पहुँचे ही हैं। अभी शॉपिंग करने के बाद उनका प्रोग्राम शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगा, तो हम लोग लेट ही निकले थे 4 बजे। तो अभी थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और उसके बाद में प्रोग्राम देख के फिर घर जाएंगे। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए आप। ये बैलून खेलो खेलो, कौन है? शिवांशी ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय 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 बाय, चले आ जाओ शिवो। कौन है शिवो? कौन है ये? ये कौन है? प्यारी प्यारी करो, किसी कर दो उसको, प्यारी प्यारी कर दो। किसी कर दो, प्यारी प्यारी कर दो उसको, प्यारी प्यारी करो, प्यारी प्यारी। ओ तो ना यहाँ पे वो मतलब शॉपिंग नहीं करने दे रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी वो। मतलब अब मैं बता नहीं सकती, वैसे भी बहुत ही ज़्यादा शैतान है वो, अलग ही टाइप का बच्चा है बिल्कुल। मेरे दोनों बच्चों में ज़मीन आसमान का अंतर है, और ये वाला बच्चा मेरा बहुत शैतान है। तो फिर मुझे उसको फ़ोन देना पड़ा उसको इंगेज करने के लिए, क्योंकि कोई चीज़ भी देखने नहीं दे रही थी, सारा उठा उठा के कपड़े वगैरह फेंक रही थी। तो हस्बैंड अभी चेंजिंग रूम में गए हैं कपड़े वगैरह देख, तो वही है, इसको इंगेज करना पड़ा, तब जाके शांति में हम लोग शॉपिंग किए। और उसके बाद में मतलब इसको क्या है ना कि कोई चीज़ आप लेने लगो तो इसको प्रॉब्लम होती है, चलने में नहीं होती। बाहर अगर आप घूम रहे हो ना तो प्रॉब्लम नहीं है इसको, अंदर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। थोड़ी देर तो रुकी थी, उसके बाद अभी जब शॉपिंग कंप्लीट होने वाली है और इस अभी इसका ड्रामा चालू होना था, तो उसको मैंने इंगेज किया है। तो यहाँ पे हो गई शॉपिंग, शॉपिंग वगैरह हो गया, और अभी जा रहे हैं थोड़ा बाहर, मतलब बाहर ही होगा, ओपन एरिया में ही है कॉन्सर्ट, तो वहीं पे हम लोग सोचे चलो चलते हैं अब। तो अभी टाइम था क्योंकि एंट्री नहीं दे रहे थे वो लोग, तो हम लोगों ने सोचा चलो KFC में कुछ खा लेते हैं, तो भूख लगी थी क्योंकि शाम के हो गए थे 5:30। तो
बस कुछ थोड़ा बड़ा खा के और फिर जाएंगे अंदर जब एंट्री मिलेगी तब। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बर्गर और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही ले सकते थे और फ्राइज़ वगैरह। तो शिवांशी के लिए फ्राइज़ आता है एक्चुअली में, बट उसको फ्राइज़ से मतलब नहीं है, बर्गर से मतलब नहीं, उसको कोल्ड ड्रिंक देख के ना अलग ही लेवल का वो जो कहते हैं ना एक्साइटमेंट होता है, तो मतलब उसको नहीं देना चाहते हम लोग, बट वो इतना ज़्यादा रोती है और ऐसा मतलब इतना तेज चिल्लाती है ना, तो मजबूरी है तो उसको कैसे भी करके उसमें इंगेज करती हूँ मैं फ्राइज़ वगैरह में। तो वही है, और जल्दी जल्दी क्योंकि एंट्री शुरू, जैसे हम लोग अपना ये खाने वाले आइटम है जो लेके टेबल पे रखे वैसे ही एंट्री स्टार्ट हो गई थी। फिर जल्दी जल्दी हम लोग मतलब खाए जल्दी जल्दी, क्योंकि कहते ना मज़ा लेके नहीं खा पाए, बस जल्दी जल्दी खाया कहीं भीड़ ना बढ़ जाए और हम लोगों को जगह वगैरह मिलने में प्रॉब्लम ना हो जाए। बट फिर बाहर आके देखा तो तब भी लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी और बहुत देर वेट करना पड़ा हम लोगों को। तो यहाँ पे एक्चुअली में उसको इंगेज करने के लिए ताकि वो अंदर रोए ना, तो हम लोगों ने उसके लिए पॉपकॉर्न लिया था, तो उसका यहीं से खाना स्टार्ट हो गया। और ये देखिए ये हमारी है टिकट। तो वही है, और अंदर जाके मैं दिखाती हूँ जितना भी रिकॉर्ड करूँगी, मतलब रिकॉर्ड तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा लेकिन उसको मैं कट कर करके थोड़ा थोड़ा डालूँगी। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. तो यहाँ पे हम लोगों की एंट्री हो चुकी है और हम लोगों को सीट भी मिल गई है। तो सीट नंबर कुछ नहीं था, जहाँ मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। तो हम लोगों का एक्चुअली में गोल्ड वाला था, तो आगे हम लोगों के प्लेटिनम वाले थे, फिर गोल्ड था और फिर सिल्वर था। और यहाँ पे शिवांशी को एक फ्लैग मिल गया था रेड FM वाला, तो वो लेके उसको वो नहीं दे रही थी किसी को भी, उसको पकड़ के अच्छा लग रहा था। तो एक लोग थे रेड FM वाले, उन्होंने पिक्चर भी लिया इसका जो फ्लैग लेके दिखा रही थी, तो पिक्स वगैरह। और सॉन्ग बज रहा था तो उसका डांस चालू है एकदम, अभी तो फुल मस्ती में एनर्जी में है, धीरे धीरे डाउन होगा, तो चीयर अप कर रही थी वो तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को आप इंजॉय कीजिए और मिलती हूँ मैं एंड में जब ख़त्म हो जाएगा कॉन्सर्ट, तब फिर मिलूँगी मैं आपसे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the... Is this the energy? Can you all make some noise already for your most fabulous presence? Clap for yourself. Put your hands up together in the air and clap everybody. Ladies and gentlemen, thank you so very much for joining us. Everybody, please put your hands together. Can you all wave? How are you feeling? How are you feeling, everybody? Good? How are you feeling? Super? Now, how are you feeling? Sorry? Amazing. Thank you. Biggest, the brightest, and the most loved concert series in India, the live concert series in India, the Alive India in Concert Season 8, presenting Javed Ali live in concert. Can I hear it from everybody? Thank you so much once again. And with that, ladies and gentlemen, जैसा कि कहा जाता है कि आप जितनी उम्मीद से यहाँ पर आए हैं उतनी शिद्दत से हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं. वेल म्यूजिक, आप ये मानेंगे सही मायने में, इज ओनली वर्ड आफ्टर अ मदर दैट रेजोनेट्स सो मच ऑफ लव, सो मच ऑफ हैप्पीनेस. एंड हियर वी आर, जैसा कि कहते हैं कि म्यूजिक ही वो वजूद है जो हमें जोड़ कर रखता है. वेल इट इज वन थिंग यू वुड अग्री टू बी लाइव एंड इट इज अनदर थिंग टू बी अलाइव. वेल इफ आई आस्क यू, do you feel you are being alive, everybody? Can I hear some more energy? Are we in this together? Do we feel India band? Ladies and gentlemen, put your hands up. We will sneak our way and we would also reach to the man who is ruling right from here. Hi, I'm Santosh and I'm also called as Panther. Super hit. Gentlemen, the man behind the reason. Hands up, Kotani. Put your hands up and please welcome Javed Ali and his band, everybody. Amazing SSS community for ASEAN. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? आपकी एनर्जी देखकर मेरे और तालियां बजा सकते हैं आप प्लीज. इतना खूबसूरत मौसम है आज. सब जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बताया गया कि 2-3 दिन से थोड़ी सी बारिश हो रही थी, लेकिन साथ में है और आज एकदम खुला आसमान है और इतना ब्यूटीफुल वेदर है, इतना ब्यूटीफुल माहौल है और रोमांस ही रोमांस भरा हुआ है चारों तरफ. तो आइए रोमांटिक गानों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं. एंड आपका और मेरा बहुत ही फेवरेट गाना कहने को जश्न बहारा है.
fats, my voice can be a little poor. म्यूजिक का असर कि इंसान अपने आप में नहीं रहता, गुम हो जाता। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
नजरें मिलते ही नजरों को नजरों से चुराए, कैसी है तेरी जो तू पलकों को झुकाए, रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। देखो देखो डांस डांस करो डांस डांस गाइज। हम लोग एक्चुअली में निकल आए क्योंकि कॉन्सर्ट तो अभी चलेगा 12 बजे तक, और लेकिन हम लोग ना हम लोगों को मेन पुष्पा मूवी का जो सॉन्ग था ना वो सुनना था, तो वो सुन के फिर हम लोग चले आए क्योंकि कैब वगैरह मिलने में शायद प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि एक साथ भीड़ निकलती तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती, तो इस वजह से हम लोग जल्दी निकल लिए थे। बज गए थे 10:30-11:15 हो गया था, टाइम भी हो गया था ज़्यादा, तो हम लोगों ने सोचा चलो अब निकल लेते हैं, और अभी तो प्रोग्राम शायद 12 बजे तक चलना था, तो उसकी वजह से हम लोगों ने वो गाना सुनने के बाद फिर निकल लिए क्योंकि मेन था वो, क्योंकि शिवांशी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे शिवांशी डांस कर रही है क्योंकि उसका आपको पता है, आप शॉर्ट्स वीडियो में भी देखते होंगे, उसका गाना बजा दो बस तुरंत डांस शुरू हो जाता है, नए नए स्टेप सीख रही है आजकल वो, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे कैब का वेट कर रहे हैं, कैब बुक कर दिए थे और अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वीकेंड था तो इस वजह से। तो ये वाला मैंने छोटे छोटे क्लिप्स आपको डाले हैं, वो तो बहुत सारे मतलब गाने गाए थे मैंने, सारे डाले भी नहीं क्योंकि मेन डाला जो हमें अच्छा लगा, तो ये छोटे और बहुत सारे मतलब काउंट नहीं किया था हम लोगों ने कितने गाने गाए, बट काफ़ी सारे गाने गाए थे उन्होंने, और इसकी वजह से हम लोगों को पता भी चला कि ये गाने इन्होंने गाए हैं। तो यहाँ पर बस वही वेट कर रहे हैं हम लोग,
तो गाइज ये वाला ब्लॉग थोड़ा लेट पोस्ट किया है मैंने, एक्चुअली मैं इसको एडिटिंग में टाइम लगना था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉग बन गया था, तो इसके लिए टाइम चाहिए था। और आपको पता है शिवानशी की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता एडिटिंग, मतलब शांति में करना पड़ता है मुझे क्योंकि अभी थोड़ा परेशान करती है। तो आज मैं आपके लिए ये ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ और उम्मीद है कि आपको ये वाला ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक